भाई साहब, सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर योद्धा मूवी थिएटर हाउस में चल रही है, लेकिन चल रही है या सरवाइव कर रही है, इस चीज पे बात करेंगे। भाई साहब, मूवी हिट है या फ्लॉप है? क्योंकि जिस हिसाब का इसका बजट है, देखा जाए तो ठीक है, ये मूवी जैसे तैसे अपना बजट रिकवर कर लेगी, लेकिन मूवी को तो बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। सब कुछ बढ़िया था, एक्शन दमदार है, उसके बाद जो पैट्रियटिज्म देशभक्ति वाली जो कनेक्शन जोड़ा गया है वो भी दमदार है। सब कुछ मूवी के फेवर में है। सिद्धार्थ मल्होत्रा चार्मिंग गाय, दमदार जम रहा है। देन उसके बाद स्टोरी कनेक्शन की बात कर लें तो स्टोरी जो प्लॉटिंग हुई है वो भी दमदार है, सब कुछ। लेकिन बावजूद इसके भाई मूवी की वो बोलबाला क्यों नहीं है, वो नाम क्यों नहीं आ रहे हैं जैसे अभी हमने रिसेंटली एक्शन मूवीज का देखा है। भाई फाइटर मूवीज भी अच्छा खासा नाम कमा के चली गई थी, उससे पहले अगर सलार में चले गए, जेलर में चले गए, उसके बाद जवान, पठान, लियो, अरे बहुत ऐसी एक्शन मूवीज आई जो जिनके लिए 500 करोड़ लेके आना भाई हलवा था बिल्कुल। और वैसा हाल इसके साथ क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि मूवी उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है, सब कुछ दमदार है। भाई सारी चीज़ों पर बात करेंगे अभी कि क्या है इसके पीछे रूट कॉज, कि भाई ये मूवी इतना सब कुछ अपने साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट एलिमेंट्स लेके चल भी रही है तो फिर भी ये हिट क्यों नहीं हो रही है बाबा, और ये मूवी क्या फ्लॉप ही जाएगी? जो भी होगा सारी चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, एक लाइक एक सपोर्ट और बस मजा आ जाएगा। शुरुआत करते हैं भाई साहब, मूवी को सब कुछ बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मूवी में कोई भी कमी देखने को मिल रही है। भाई पैट्रियटिज्म कनेक्शन सब कुछ एवरीथिंग, कारण सिर्फ एक है कि भाई ओवरडोज, हर एक चीज का ओवरडोज। यार घर की मुर्गी दाल बराबर, या आपने कहावत सुनी है, रोज मटर पनीर मिलेगा, रोज चिकन मिलेगा, आप भी उब जाओगे। एक बार के लिए चिकन खाना एक बार के लिए आलू खाना पसंद कर लोगे, एक बार के लिए खिचड़ी खाना पसंद कर लोगे, लेकिन हर दिन जब सेम चीज मिलेगी तो भाई आप उब जाओगे। और वही चीज, इसी चीज का शिकार ये मूवी होते नजर आ रही है, क्योंकि दो चीज का जबरदस्त ओवरडोज हो गया है इस पे। क्या? एक तो एक्शन, दूसरा भाई देशभक्ति वाला पैट्रियटिज्म कनेक्शन। क्योंकि पिछले साल अगर हम देखें तो लगातार एक्शन पे एक्शन आया जा रहा है, पठान, जवान, लियो, जेलर, सलार, और उसके बाद दशहरा, और अभी जो रिसेंटली भाई फाइटर मूवी चली गई है उसमें भी एक्शन। तो एक्शन ही एक्शन अगर मिलेगा तो भाई पब्लिक तो बोर होगी ही होगी, क्योंकि सबको पसंद है यार वर्सिटैलिटी। किसे पसंद नहीं है? मुझे बहुत पसंद है वर्सिटैलिटी। मैं एक दो तीन दिन लगातार एक ही चीज़ नहीं कर सकता, ये ह्यूमन लाइफ है यार। यहाँ पर वर्सिटैलिटी अगर नहीं मिलेगी तो फिर क्या फ़ायदा है इस ज़िंदगी का? हाँ, एक ही दिन, हर दिन एक ही चीज़ मिलेगी तो फिर क्या मजा है। देन उसके बाद पैट्रियटिज्म का कनेक्शन अगर हम देख ले तो भाई शुरुआत के अगर पिछले साल से करें तो पठान में वही चीज़ देखने को मिली थी। देन उसके बाद हमें जवान में भी, चलो ठीक है वो इंटर कनेक्शन था, बाहर का नहीं था, उसमें भी तो फिर भी वही चीज़ थी। देन उसके बाद टाइगर 3 आई थी, वो भी वही चीज़ लेकर आई थी। देन उसके बाद अभी फाइटर मूवी जो गई है भाई, वो क्या कनेक्शन, वो भी पाकिस्तान और वर्सेस, वही वाला हिसाब किताब जो इसमें भी देखने को मिल रहा है। तीसरा भाई एक और, हाँ एक और बोनस पॉइंट ऐड करते हैं कि जो पाकिस्तान वाला जो हिसाब किताब ये हर बार सेट करके मसाला अपना कंटेंट अपना बेचने की कोशिश कर रहे हैं भाई, ये चीज़ ना अब आपकी सफल होते नज़र नहीं आ रही है। ये चीज़ ना फाइटर मूवी से भी देखकर समझ जानी चाहिए थी, क्योंकि फाइटर मूवी का बहुत हाई पोटेंशियल था, बिग बजट मूवी 250 करोड़, लेकिन फिर भी जैसे तैसे सर्वाइव करते वो मूवी लगभग 350 करोड़ अपने खाते में ले गया। मतलब ठीक है, बस यही एक सिंपल कारण है कि भाई ओवरडोज ये सारी चीज़ों का हो गया है, जो जनता को अब बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है कि यार वही चीज़ हम देखकर आ चुके हैं, क्या ही नया होगा इनके पास। पाकिस्तान का कनेक्शन बिठा देंगे, उसके बाद उसे हरा देंगे, मार देंगे, बस या क्या गूज़बम्प्स लेने के लिए क्या यही तरीका बचा है लोगों के पास, मतलब मेकर्स के पास? तो कुछ वर्सिटैलिटी चाहिए थी। हाँ, ये मूवी अगर कुछ टाइम बाद आती तो ये जो अभी कनेक्शन, अभी जो कलेक्शन देखने को मिल रहा है इससे ऊपर हाई कलेक्शन होगा। लाइक अगर हम देखें तो कल एंड ऑफ द डे तक ये मूवी, उससे पहले बजट बता दूं, मूवी का बजट है 55 करोड़ के आसपास, तो कोई बड़ा बजट नहीं है। और जिस हिसाब से पॉजिटिव रिव्यू फर्स्ट डे के आ रहे थे भाई, मुझे लग रहा था ईजिली ये 2 से 3 दिन में इसे रिकवर करके 100 करोड़ के आसपास टच कर जाएगी, क्योंकि वो भी मूवी का पोटेंशियल है, उस हिसाब का पोटेंशियल है, जिस हिसाब के उसमें स्क्रीन प्ले है, एक्शन है, भाई बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है, एक्शनल कॉम्बैट, सिंगल हैंड कॉम्बैट में, गन कॉम्बैट में, भाई जॉन विक की याद दिला दी, जैसे वो गन कॉम्बैट में वो कैमरा घूमता है ना जॉन विक के साथ साथ, वैसा ही एक्शन इसमें भी था एक बार के लिए। आज एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 21 से 22 करोड़ अपने खाते में ले लेगी पहले 4 दिन में, जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नंबर नहीं है। पूरी दुनिया से मूवी का लैंड ऑफ द डे तक 25 करोड़, और आज ये पहले 4 दिन में, आज एंड ऑफ द डे तक 28 करोड़ अपने खाते में रख लेगी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बाकी आपने मूवी देख ली तो आपको कैसी लगी, और मिलते रहेंगे, बाय।